हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी के अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि मृदाबाध जो हमारा है उसका अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि एक समांग मृदाबाध का अनुप्रस्थ काट खींचिए। एक अनुप्रस्थ काट खींचने के लिए कहा गया है जिसमें बाध की ऊपरी चौड़ाई 5 मीटर, भूमतल का आरियल 200 मीटर, पूर्ण प्रदाय तल 213 मीटर, डीएस का जो ढाल होगा यानी डाउन स्ट्रीम का ढाल 2:1, अप स्ट्रीम का ढाल 3:1 दिया गया है, जबकि बाद की ऊपरी सतह पर आरियल 215 मीटर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है या इसका अनुप्रस्थ काट को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन है यदि उसके लिए आवश्यक है तो सबसे पहले हम आरएफ निकालते हैं। हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि आरएफ जो हमारा होगा वह आरएफ होगा 1/250। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भूमि सतह को दिखा देते हैं। तो भूमि सतह दिखाने के लिए फ्री हैंड एक लाइन खींची जा सकती है या फिर स्केल को रख करके खींच देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होगा यानी जो जीएल होगा भूमि सतह होगा वह हमारा सीधा ना होकर के इस प्रकार से कुछ ऊंचा नीचा सतह दिखाया जाएगा। हम इस पे क्या करते हैं जीएल को अंकित कर देते हैं इस प्रकार से। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें हमको मिलेगा कि एक समांग मृदाबाध बनाने के लिए कहा जा रहा है यानी होमोजीनियस डैम बनाने के लिए कहा गया है और वह भी मृदा का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि ऊपरी चौड़ाई इतना दिया गया है लेकिन यहाँ जीएल से कितने ऊंचाई तक बाध को बनाया जाएगा। इसके लिए हम इसको देखते हैं कि आरएल दिया गया है 200। तो सबसे पहले हम भूमि सतह पर आरएल को दिखा देते हैं जो 200 मीटर के बराबर है। अब यहाँ से हम अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाना पड़ेगा ऊपरी सतह पे 215 मीटर दिया गया है यानी यहाँ से जब 15 मीटर तक ऊपर जाते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा बाध की ऊपरी सतह। तो बाध की ऊपरी सतह को दिखाने के लिए जो डिफरेंट हो रहा है इन दोनों में यानी भूमि का आरएल और बाध के ऊपरी आरएल के, तो इन दोनों का हम अंतर देख लेते हैं। तो 215 में से यदि 200 घटाया जाता है तो यहाँ पे हमको मिलेगा 15 मीटर। तो हम 15 को 250 के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 100 से गुणा भी कर दिया जाता है तो यह सेंटीमीटर में हो जाएगा। कैलकुलेट कर लिया गया 5×25 5×3 15 हो गया, 5×2 10 हो गया, 3×6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई हमको दिखाना है। तो यहाँ से हम ऊपर 6 सेंटीमीटर जाते हैं तो यहाँ पे स्केल पे देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो जीएल से हम 6 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हमको क्षैतिज जाना है तो जो हमारा एमडी होगा यहाँ से क्षैतिज लेकर के जाएंगे और क्षैतिज कितना जाना है तो वह देखेंगे 5 मीटर। अगर हम 5 मीटर को कन्वर्ट करते हैं 1/250 × 5 मीटर, अगर इसमें 100 से गुणा करते हैं तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा। 5×25 50 हो गया और 50×100 यानी हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा दिखा देते हैं कहीं पे भी इसी के सीध पे कहीं पे भी 2 सेंटीमीटर का रेखा दिखाया जा सकता है जो यहाँ से 15 मीटर की दूरी पे होगा। हम यहाँ से लेकर के 2 सेंटीमीटर की रेखा दिखा देते हैं। ये हो गई हमारी बाध की ऊपरी सतह। अब यहाँ से हम सीधा नीचे निशान लगा देते हैं तो ये यहाँ पर हो रहा है और इधर अगर देखा जाए तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो ये दोनों मार्क करने के बाद
अब एक तरफ हम दिखाएंगे DS और एक तरफ दिखाएंगे US, तो हम DS दिखाते हैं। तो DS के लिए यहाँ पे जो रेखा खींची गई है उस पर कहा गया है कि 2:1 का ढाल दिया गया है, यानी यदि हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं 2 तो वर्टिकल जाएंगे 1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर हमारा हो रहा है। अगर ये 6 सेंटीमीटर दूरी है और वर्टिकल दूरी है यानी ऊर्ध्वाधर मापा गया है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं क्षैतिज दूरी 2 गुना कर देते हैं, यानी 6 से हम 12 कर देते हैं। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर मापा गया, जहाँ पे भी हमारा होगा मान लेते हैं यहाँ पे आया, तो GL यहाँ तक नहीं दिखाया गया था तो हम GL को ऐसे करके यहाँ तक दिखा देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा इधर हो जाएगा DS, तो यहाँ पे हम DYS लिख देंगे और इस पे 2:1 दिखा देंगे। ऐसे इस दिशा में भी दिखाएंगे, तो इस दिशा में दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा 3:1, यानी इधर 2 गुना गए थे तो इसके सिर से इधर 3 गुना जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आया है, तो 6 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं तो 18 सेंटीमीटर हमको इस दिशा में जाना होगा। तो इसका सिर यहाँ पे हुआ, पहले से मार्क किया गया है, तो यहाँ से हम 18 सेंटीमीटर की दूरी को माप लेते हैं। तो 18 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक दिखा रहा है। हम यहाँ से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं GL को, तो यहाँ से हमारा GL इस प्रकार से होगा। अब जहाँ पे हमारा 18 सेंटीमीटर हुआ वहाँ से ला करके इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिला देते हैं। अगर यहाँ से मिला दिया गया तो बाद का हमारा अधिकतर भाग तैयार हो गया। इस तरफ यहाँ पे दिखा देंगे कि US है यानी अपस्ट्रीम है, और इस पे जो ढाल दिया गया है वह ढाल 3:1 का है। अब हम क्या करते हैं, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम दिखा देते हैं RL जो बाद के ऊपरी सतह का है और इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे जो RL दिखाया गया है वह RL हमारा क्वेश्चन के अनुसार 215 मीटर, तो यहाँ पे 215 मीटर लिख दिया गया। और ये जो 215 मीटर है इसकी यदि क्षैतिज दूरी की बात किया जाए या जो बाद है उसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह चौड़ाई हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 मीटर है। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं और यहाँ पे एक तीर दिखाते हैं 3:1 का, और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वह होगा 5 मीटर। अब अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो कहा जा रहा है पूर्व प्रदाय तल या फुल सप्लाई लेवल का जो RL है वह 213 है जबकि यहाँ 215, तो यहाँ से नीचे हम आएंगे 2 मीटर तो हमको वहाँ पे मिल जाएगा 213। तो 213 या फिर यहाँ से क्या करते हैं 2 मीटर हम नीचे आए या यहाँ से उसी अनुपात में हम ऊपर चले जाते हैं। यदि यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो 13 मीटर हमको ऊपर जाना होगा। तो यदि हम देखें RF के अनुसार तो RF हमारा दिया गया है 1/250, यहाँ पे हमारा रफ कार्य हो रहा है, फिर यहाँ पे हम 13 का गुणा कर लेते हैं, 100 से अगर गुणा करते हैं तो यह हमारा सेंटीमीटर में बदल गया। तो 5×25 हो गया और 5×10 हो गया, 13×26 हुआ, तो यहाँ हम क्या करते हैं 26 लिख देते हैं और बटे हो गया 5। 5 से इसको कैलकुलेट किया गया तो 5.2 सेंटीमीटर आ गया, यानी यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर मापते हैं कहाँ पे, यहाँ पे 6 हो रहा, थोड़ा सा और स्केल को आगे लाते हैं जहाँ पे हमारा 5.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो लगभग यहाँ पे हमारा 5.2 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा दिखाएंगे और उस सीधी रेखा पे क्या करेंगे डॉटेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इधर जल का हमको दिखाना है भराव। तो यहाँ इस प्रकार से डॉटेड रेखाएं दिखा दी जाएंगी और इससे नीचे भी GL तक हम क्या करेंगे ऐसे ही डॉटेड रेखाओं से इनको भर देंगे और दिखा लेते हैं।
इसी प्रकार से स्केल को रख करके ही यहाँ पे दिखाएंगे। ऐसा करने से जो हमारा फिगर बनेगा वह साफ और स्पष्ट बनेगा, और इसमें जो रेखाएं खींची जा रही हैं इन सभी रेखाओं की जो लंबाई होगी लगभग सेम रखेंगे, और इस प्रकार से रेखाएं खींचते हुए हम नीचे तक भर देंगे। स्केल को रख करके ही खींचना है। तो ये हमारा हो जा रहा है। अब इसी क्रम को आप सब आगे बढ़ा करके पूरा यहाँ जीएल तक भर देंगे, और इसके सीध जो है इसके सीध से आगे तक कुछ बढ़ा देंगे, यानी ये रेखाएं जो हैं इनको हम और आगे तक बढ़ाएंगे, लेकिन हाथों से ना बढ़ा करके हम स्केल को रखेंगे और स्केल से ही इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। तो पूरे सतह पे हम इस प्रकार से जल का भराव दिखा देते हैं, छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा या बिंदु के द्वारा। इसके अगर आरियल की बात किया जाए तो यहाँ पे आरियल दिखाया गया है 213 मीटर, तो यहाँ पे दिखा दिया गया कि ये हमारा 213 मीटर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि मृदा का बांध बनाया गया है तो जब जल का भराव होगा तो मिट्टी जो होगी वह पानी के संपर्क में आने से इसकी कठोरता भंग हो जाएगी, या कह सकते हैं मुलायम हो जाएगी, तो बाद हमारे टूटने की संभावना बनेगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कर देते हैं पैचिंग, और जो पैचिंग करेंगे वह किस प्रकार से करेंगे, तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ से हम ऊपर थोड़ा सा बढ़ करके और इस रेखा से 90 डिग्री पे एक रेखा खींच लेंगे, इसको भी आरएफ से कन्वर्ट कर लेंगे कि हम एक मीटर तक आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से एक मीटर तक हम क्या करेंगे पैचिंग कर देंगे। तो एक मीटर यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आरएफ हमारा 250 दिया गया है, 1/250, और इसके साथ कैलकुलेट कर लिया जा रहा है एक मीटर या 100 सेंटीमीटर को, कैलकुलेट कर दिया गया 10 हो गया यानी 2/5 सेंटीमीटर हुआ, और कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह हमारा 0.4 सेंटीमीटर या 4 mm हो जाएगा। तो हम 4 mm ले लेते हैं, ये 4 mm खींच दिया गया। अब यहाँ से उसी रेखा के समांतर जो यहाँ पे खींची गई है उसी के समांतर यहाँ से हम मिला देते हैं, ये 4 mm खींचा गया और इसको यहाँ से मिला दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा एक मीटर है इस एक मीटर को दो भागों में बाँट देते हैं, तो हम दोनों बराबर कर लेते हैं, या एक को हम कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर और एक को कर देते हैं 40 सेंटीमीटर, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, या 4 mm को हम क्या करते हैं एक को कर देते हैं 2-2 mm, अगर किया जाए तो दोनों 500 हो जाएंगे, तो हम 2-2 mm ही कर देते हैं। तो इसके मध्य से एक और रेखा यहाँ पर दिखा दी जाएगी। अब जो ये पैचिंग किया गया है यह पैचिंग दो भागों में करेंगे, दो भागों में क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारे नीचे वाली ये वाली फ्लक होगी इस पर हम बिंदु दिखा देंगे कि यहाँ पे हम बालू का भराव कर देंगे। यहाँ हम 500 mm दोनों ले लिए हैं, आप इसको यहाँ पे कम भी कर सकते हैं 400 mm और ऊपर वाले को 600 mm। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े दिखा देंगे, या कह सकते हैं छोटे छोटे ऐसे वृत्त बना दिए जाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे पत्थरों के भराव को दिखाएगा। तो इस प्रकार से हो गए, यहाँ नीचे हम इसकी माप को दिखा देते हैं। तो अगर कहा जाए तो एक यहाँ से हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमारा 5 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी ये दूरी हमारी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, और फिर यहाँ से क्या करते हैं यहाँ तक की दूरी को भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा 15 मीटर था, ये यहाँ पे 5 मीटर था, ये हमारा 30 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर ये 45 मीटर की दूरी है। यहाँ पे क्या करेंगे,
कि इस प्रकार से तीर दिखा दिए जाएंगे 3:1 के अनुपात में। तो इधर भी दिखा दिया गया और यहाँ पे पाठ्यांक जो दिए गए थे क्वेश्चन में वो सारे आंकड़े दिखा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो अतिरिक्त किया गया है ये यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे हम एक तीर दिखाते हैं और इस तीर के द्वारा हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि क्या कार्य किया गया है। तो यहाँ पे तीर दिखाएंगे और यहाँ नीचे लिख देते हैं यहाँ पे बालू या सैंड फिलिंग, बालू का भराव कितने में किया गया है भैया, हम यहाँ पे किए हैं 50 सेंटीमीटर में। तो दिखा दिया गया ऐसे, यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, कहीं पे भी दिखाया जा सकता है या यहीं नीचे चाहे तो नीचे भी दिखा सकते हैं, लेकिन चित्र के बाहर हम यहाँ ऊपर ही दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्य किया गया है ये हमारा है पत्थरों का भराव, पत्थरों के टुकड़ों का भराव, भराव कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ये जो बाँध यहाँ पे बनाया जा रहा है यह हमारा है समांग मृदा बाँध, या इसको कह सकते हैं होमोजीनियस बाँध। तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे समांग मृदा बाँध। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।